हर रोज एक नए दिन की शुरुआत के साथ देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 118 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। सरकार काफी गंभीर है और इसीलिए दिल्ली में जो लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है। मास्क ना पहनने पर अब चालान को 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके से सिविल डिफेंस वाले खड़े हुए हैं और जो लोग बिना मास्क के जा रहे हैं एक एक गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। जो लोग बिना मास्क के जा रहे हैं उनके ऊपर बाकायदा चालान भी किया जा रहा है और ये चालान अब आज से 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है चालान किया जा रहा है। ये देखिए जो लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और इन लोगों का अब बाकायदा चालान किया गया है। ये बताइए कितने रुपए का चालान किया आपने इनको? 2000 रुपए का चालान बनता है इनका, हम 2000 रुपए का चालान कर रहे हैं। कल शाम को हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया था जिसके हिसाब से अब आगे से हम 2000 रुपए का ही चालान करेंगे। अभी तक सुबह से कई लोगों के आपने चालान किए 2000 रुपए के? हाँ, लगभग 3-4 लोगों के चालान कर चुके हैं। और ये पूरी तरह से नजर रख रहे हैं जो लोग मास्क नहीं पहन रहा है पांच एक, आपसे क्या लोग बहस भी कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं क्योंकि चालान का अमाउंट ज्यादा बता रहे हैं कि ये ज्यादा है, हमारी जेब पर भारी पड़ रहा है। हम उनको कह रहे हैं कि हमें उनसे पैसे नहीं चाहिए, वो नियम कानून का पालन करें, हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और एक एक गाड़ी हम अपने वॉलंटियर्स को जो है हमने बोल रखा है कि एक एक गाड़ी चेक करके जाने दी जाए आगे। ये बताइए आपने मास्क नहीं पहना हुआ था और इसी वजह से आपका 2000 का चालान हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी लग रहा है जेब पर? हाँ, क्योंकि हमें मालूम होने के कारण। अच्छा, पैसे तो ज्यादा है ये। पैसा ज्यादा है तो आपको कम से कम मास्क तो पहनना चाहिए था, अब सरकार ने नियम बनाया, गलती है आपकी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये अपनी गलती जरूर मान रहे हैं क्योंकि 2000 रुपए का अब जो इनकी जेब पर भारी जुर्माना पड़ा हुआ है। इसी तरीके से अब दिल्ली में आज से 2000 रुपए का चालान किया गया 500 से बढ़ा करके। लोगों को परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि चालान की रकम काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं सरकार लोगों को शुरू से हिदायत दे रही है लेकिन पब्लिक मान नहीं रही है और इसीलिए जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है। और इसी को रोकने के लिए अब सरकार ने चालान की रकम को 2000 रुपए तक बढ़ा करके ये कदम उठाया है। फिलहाल दिल्ली में लोग अगर घुसते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, कहीं सार्वजनिक जगह पर थूकते हैं तो उनका 2000 रुपए का चालान आज से किया जा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।